हेलो दोस्तों, मैं अमोल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होस्ट ऑफ बाइक। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस रिलेटेड है। तो आज का जो है हमारा वीडियो रॉयल एनफील्ड 500cc की RPM सेटिंग कैसे करनी है इसके रिलेटेड है। और दोस्तों, ये सेटिंग हमें क्यों करनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास 500cc रॉयल एनफील्ड क्लासिक डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसकी हमें करनी है RPM सेटिंग, आइडलिंग सेटिंग। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, ये है चेक इंजन लाइट, ये ऑफ होने तक हमें सेल्फ नहीं करना है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए ये स्विच कर दिया ऑन। चेक इंजन लाइट जब तक जाता नहीं तब तक हम सेल्फ नहीं करेंगे, देखिए। और विदाउट एक्सीलेटर जो है तो हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, देखिए देखिए मैं सेल्फ कर रहा हूँ तो गाड़ी चालू नहीं हो रही। देखो दोस्तों, देखिए विदाउट एक्सीलेटर चालू नहीं हो रही है गाड़ी। तो इसके लिए हमें लगेगा ये टी स्पैनर 8 नंबर का, और ये साथ में ही 3 नंबर के एलएन की लगेंगी। ये बस ये दो टूल से हमें ये सेट हो जाएगी। तो देखिए, ये है थ्रोटल बॉडी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 की। तो ये थ्रोटल बॉडी देखिए, मैं जब एक्सीलेटर दूंगा, ये देखिए यहाँ पे सेटिंग बोल्ट है, तो इसको हमें सेट करना है प्रॉपर। ये देखिए, मैं जब सेट एक्सीलेटर दूंगा तो ये पुल आउट होती है, देखिए पुल होती है, और वैसे गाड़ी को थ्रोटल वाल्व खुलता है और एक्सीलेटर गाड़ी को मिलता है पेट्रोल सप्लाई, तो एक्सीलेटर होता है। तो ये देखिए, इसे हमें सेट करना है। तो ये 8mm के नट से इसका लॉक नट, 8mm के टी से लॉक नट खोलेंगे, लूज़ कर देंगे थोड़ा, ज़्यादा लूज़ करना है नहीं है दोस्तों, थोड़ा लूज़ कर देंगे ताकि ये सेटिंग जो अंदर से हम एलएन की से करने वाले हैं तो ये प्रॉपर हो सके। तो इसके ऊपर हम एलएन की लगा देंगे और अब करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। तो इसे क्लॉकवाइज थोड़ा घुमा देना है दोस्तों, देखिए मैं क्लॉकवाइज थोड़ा घुमा देता हूँ इसको, और क्लॉकवाइज घुमाने के कारण थोड़ा दोस्तों ये रेस होगी गाड़ी। तो हमें इसको सेट इस तरह से करना है, ना ही ज़्यादा गाड़ी रेस हो और ना ही बंद गिरे। देखिए, और जैसे ही रेस होगी तो हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसे प्रॉपर तब तक सेट करना है दोस्तों जब तक गाड़ी की आइडलिंग जो है 1000 या 1100 के बीच में जब तक होता नहीं है तब तक अप्रॉक्सीमेटली हमें सेट करना है। घर पे भी कर सकते हो, मैं एक वीडियो लगे तो बना दूंगा टेकोमीटर पे कैसे एग्जैक्ट हम सेट कर सकते हैं, लेकिन ये रैंडमली आप ऐसे भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है ज़्यादा। देखिए इजीली गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और इसे क्लॉकवाइज जब आप घुमाओगे तो गाड़ी रेस होगी, और एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो गाड़ी स्लो होगी। तो इसके बीच में हमें सेट कर देना है प्रॉपरली, गाड़ी हमारी विदाउट एक्सीलेटर चालू हो जाए। तो देखिए ये सही से हो गई है, थोड़ी मैं एक्सीलेटर बढ़ाता हूँ क्लॉकवाइज घुमा के। तो देख सकते हो आप, इसे कम ज़्यादा करेंगे तो प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सेट होने के बाद में हमें जो है वो जो 8mm का नट हमने लूज़ किया था वो भी अच्छे से टाइट कर देना है, और अब हम देखेंगे। देखिए गाड़ी का चेक इंजन लाइट जाने के बाद में ही सेल्फ करेंगे, एक बात का नियम हमेशा ध्यान रखना। देखिए प्रॉपर स्टार्ट हो रही है गाड़ी। तो फाइनली गाइज, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल के रिगार्डिंग कुछ सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर काम करके अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो
आपके लिए हरदम लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे पहले वीडियो बंद हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक और डिसलाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे सेफ लिव सेफ।